हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है भाग्यश्री और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ टू बी ऑनेस्ट के एक और एपिसोड पे। एंड आई थिंक ये एपिसोड का नंबर है 20 एंड द गेस्ट हियर इज मथीरा एंड ऑफ कोर्स द होस्ट इज तबिश हाशमी। So I'm really excited because I find his sense of humor really amazing. मैं बहुत ज़्यादा enjoy करती हूँ इनके episodes। अभी तक I think I have seen 3 या 4 episodes and apart from that I have seen his stand-up comedy videos also and honestly he's so funny, so I'm really excited to see this one. So without wasting any time, let's begin. But before we begin, original link is in the top of the description, so make sure you check it out. And now let's begin. Chal karo! बात 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 ये शर्ट मैंने सफेद पहनी थी, मगर आज जो गेस्ट हैं उन्होंने जोश और वलवला इतना पैदा कर दिया है कि ये शर्ट खुद ही लाल हो चुकी है। तो भाई जो आज हमारी गेस्ट हैं वो मेरी तरह एक होस्ट भी, लेकिन थोड़ा सा 2-3 किलो हॉट ज़्यादा। मुझे इस बात का गम भी है कि आज सबसे हॉट नहीं लगूंगा, क्योंकि मेरे अंदर है सुलेमानी कीड़ा, इसलिए बुला लिया है मैंने मथिरा। ऐसा लग रहा है कि आज होस्ट की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा? आज ये मैं पावर आपको देती हूँ। आप दे रही हैं? जी। मैं ले लूँ। मैं आपसे ये पावर ले लूँ। पावर दे आपको क्या लेना? मैं भी पावर ही ले, मैं कौन सा कर्जा ले रहा हूँ आपसे। अच्छा, इससे पहले कि हम शो की गहराइयों में चले जाएं, इतनी गहराइयों में नहीं जाए, डूब जाएंगे। मुझे स्विमिंग आती है, फिकर नहीं कर, मैं एक्सपीरियंस था। हमें डुबाना आता है। चले। ये अब मजा है। पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री जो है उसके अंदर जिस तरह से आपने क्रिटिसिज्म को कैरी किया, लोगों ने पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं कहा, आपको एक सेक्स सिंबल बना दिया कि ये है वो है मथीरा, बस यही गंदे काम। लेकिन जिस तरह आप, एक मिनट, सेक्स गंदा तो नहीं है। नहीं मैंने कब कह रहा ना, एक मिनट, सेक्स नहीं होता तो आप सब भी यहाँ नहीं होते, पैदा कैसे होते? मैं बताता हूँ कैसे पैदा होते। एक आया प्रोसेस। देखो, नहीं आप गायनोकोलॉजिस्ट वालों की दुकान नहीं चमकाए, हम वो बात कर रहे हैं। ठीक है, इट्स नेचुरल। लोगों ने ना, लोग करते सब कुछ है, लेकिन जो करते हैं उसी के बारे में क्रिटिसाइज करते हैं। दैट्स द हैबिट। एग्जैक्टली, यही मैं बताना चाह रहा था कि जिस तरह ये कैरी करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, ओन करती हैं, उतनी हिम्मत नहीं किसी में। यू कैन से, आई रिस्पेक्ट दैट। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, अभी अब मजाक करूंगा। हां, यू कैन से आई हैव गॉट बॉल्स। ज्यादा मर्दों से ज्यादा आई हैव गॉट बॉल्स। पसीना आ रहा है मुझे। पसीना आना सही, लेकिन ये अमरीश वाली जुबान क्यों बाहर निकली तुम्हारी, ये समझ में नहीं आया। अच्छा मथिरा, सवाल स्टार्ट करिए, इन्हीं में टाइम पास करना। नहीं कोई टाइम पास नहीं। आप मेरे शेर को क्यों देख रहे हो? मेरे मुंह से बातें करो। तो आपने फिर क्यों पहना ये शेर? देख क्यों रहे हो? बातें तो मेरे मुंह कर रहा है ना, मतलब यही एक इशू होता है हमारी आवाम में, देख कहीं और रहे होते हैं, बातें कहीं और जा रही होती है। अच्छा तो मथीरा क्या हाल है? बिल्कुल बहुत कुछ। चंद चीजें आई बिलीव स्पिरिचुअल और ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। दुनिया तो वैसे ही बोलती रहती है, नाम होगा तो बदनाम तो होंगे। क्या बात, क्या बात भाई। मैं इसलिए नाम नहीं बना रहा हूँ। नहीं बना, इस शो में मेरा ही नाम होगा। मुझे लग रहा है ये वो वाहिद शो एपिसोड होगी जिसमें कोई नहीं देखेगा होस्ट कौन है, इर्रेलेवेंट है, क्वेश्चन नहीं पड़ा होता तो शो हट जाता। नहीं तो आप कह रही हैं कि रब को राजी कर लिया, सबको राजी कर। हाँ, तो रब कैसे राजी कर? आपको बेसिकली अपना इनर कॉन्शियस, यू नो, लोग हम काफी चीजों पर फोकस करते हैं, एक इंसानियत पर कोई नहीं फोकस करता। सही बात। जब आप इंसानियत के हर एक कदम को फोकस करोगे ना, तो कसम से आपने अपने रब को राजी ही किया है। वेरी गुड। किसी को दुखाओ नहीं, अल्लाह सबके दिल में बसता है, किसी का दिल ही ना दिखाओ। वाह, किसी का दिल नहीं दुखाओ। हाँ, that's it। आपने उर्दू कहाँ से तालीम कहाँ से हासिल की उर्दू? I studied in heritage and basically I'm पाकिस्तान में study नहीं किया, उर्दू यहाँ आकर सीखी है तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अच्छा लगता है कोई उर्दू भी गलत बोले, वरना तो हम अंग्रेजी गलत बोलने वाले को बुरा समझते हैं, जज करते हैं कि भाई इन्होंने गलत। यहाँ जज हर बंदा होता है, पता हर कोई सू मोटो ले रहा है, हर कोई नोटिस। हाँ जज ही करते रहते हैं। यहाँ किसी को कुछ अच्छा लगे बंदे पहले उसकी तारीफ नहीं, पहले उसको जज करो। हाँ फिर पूछो और करे यार, जज करे यार। आपके पास वो है नहीं, मैं बोल भी नहीं सकती। क्या नहीं? हाँ मैं तो भूल गया। गहराइयों में मैं आपको ले गए, देखा आप डूब गए। बहुत 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 डर लग रहा है। अच्छा मथीरा, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, पाकिस्तान का एक प्राइम मसला है पॉपुलेशन। हम जरूरत से ज्यादा होते चले जा रहे हैं, औकात से बाहर निकलते जा रहे हैं पाकिस्तान। ये आबादी कैसे रुकेगी? कैसे रुकेगी? कैसे? आप खड़ी हो जाए, रुक जाओ वाले आ जाओ। कैसे? मैं खड़ी हो जाती हूँ, काफी खड़ी हो जाती हूँ। मैं बैठी भी सही। आपसे आबादी कम करना कैसे होगी? फजूल है ये पूछना। वैसे आई थिंक एवरीवन शुड फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है। हाँ। और ये एक प्रैक्टिकली मतलब ज़रूरी है, फाइनेंशियली भी, क्योंकि वो एक माँ के लिए भी बहुत ज़रूरी है और फादर के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ के लिए फॉर हर हेल्थ, और बाप के लिए लोग ये नहीं समझते कि बाप के ऊपर भी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। ठीक है, तो जितना आप प्लान करके चलते हो अपनी फैमिली को, उतना आप बेहतर रहते हो, सुकून में रहते हो, और ये फाइनेंशियल क्रंच और ये चीज़ें नहीं होती। अच्छा ये प्लान कैसे बनते हैं फैमिली के? बैठ जाते हैं सब, हम कितने क्या नंबर आ रहे हैं, क्या ट्रेंड है? मुझे ये बताओ ये इज्तिमाई क्यों हो रही है? मतलब ऐसी क्या है? मतलब दो लोग शादी करते हैं ना, वो मतलब प्लान कर सकते हैं ना कि इतने गोल सेट करो जिंदगी में। हाँ वो बहुत जरूरी होता है, वो प्लान होता है, वो प्लान यहाँ होगा तो रोमांस। हम ये नहीं करते कि इस पोजीशन में ये प्लान कर देंगे, वो प्लान नहीं। मैं यहाँ से आऊंगा तो वहाँ से आना, ये नहीं, ये प्लान नहीं। पोजीशन जिंदगी की प्लानिंग, सीरियस बातें की तरफ हमारा सीरियस बात। ये जो है वो आलिम ऑनलाइन चल रहा है। अस्तगफुरुल्लाह, मैं अब इस बात पर कुछ नहीं, मैंने प्लानिंग की बात कर रही थी, आप कहीं और चले गए। देखिए हमारी अवाम ने को फुल कंट्रोवर्शियल बनाना है, चले बनाना है, शो कंट्रोवर्शियल बनाना है। सोच ले, सवाल में धोकर पाक करके लाया, सोच ले कुछ नहीं। चले मैं सवाल अपनी सोच में आया था कि कहीं से गंदगी ना लगे। अच्छा ये बताएं, आपका जब आइटम सॉन्ग चाहिए तो उनको क्या महसूस होता होगा? फिर मैं ऑप्शन दूंगा, मैं तो ऑप्शन लिए घूम रहा हूँ। वो एंटरटेन होते हैं, वो गुस्सा करते होंगे, ये क्या बेहूदगी, हमारा माशरा नहीं, लेकिन देखता पूरी। प्यार आता होगा आप पे, या फिर वो कमजोर हो जाते होंगे, अब इतना बड़ा गाना था यार थक गया। प्यार आता है, फिर ख्वार होते हैं, फिर कमजोर होते हैं, फिर गुस्से होते। पूरा सीक्वेंस दिया है आपने भाई, पूरा फ्लो चार्ट था। हाँ वो एक चीज है ना, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे। हाँ, 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 बहुत आला। तो वो फिर वो गुस्सा आ जाता है कि यार ये तो ऐसी है। वेरी नाइस, इम्पोर्टेंट सवाल। खाने में क्या पसंद? क्या लगता है आपको क्या पसंद होगा? मुझे ऑप्शन दो ना। दो दांत का बकरा, कोरमा पास्ता, या फिर अफगानी पुलाव। क्या पॉलिटिशियंस के नाम लिख दूं इसमें? अभी तक तो यार लोगों को लगता है पता नहीं कितनी जायदादें खाकर बैठी हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं दे रहा, सिंपल दाल चावल। अच्छा क्यों? मगर दाल चावल, आप इतनी अमीर हैं, सब जानते हैं आप, पॉलिटिशियन क्यों नहीं? दाल चावल, इसमें शेख रशीद का नाम होता अगर। खाने पसंद करते, उनके साथ खाना पसंद करते, उनके साथ नहीं। मैं तो निहारी खा रहे थे, बुरा लगा। नहीं किंकी हो जाता कि ये कौन सा किंक है? इनके अंदर की क्या है, आपके अंदर की क्या निकल रही है? अच्छा मैं कुछ ना करूँ? नहीं मैं बैठा रहूँ? नहीं कुछ करो। रात को सोने से पहले क्या करती? फिर ऑप्शन मोबाइल बंद कर देती है, बस हो गया। या किसी से बात करती है, हाँ कैसे कैसी हो, किसी को याद करती है, या फिर किसी को बर्बाद कर देती है। मैं तो मोबाइल छोड़ देती हूँ, बर्बाद तो लोग खुद ही हो जाते हैं। ऐसा क्या करते? वो बर्बादी खुद ही कर लेते, मैं क्या करूँ? खुद ही कर लेते, सोच सोच के। बस मथीरा वो क्या होता है, वो क्या एक डायलॉग निकल गई, वो डायलॉग निकल गया दिमाग से। हाँ बस वो दिमाग में बना लेते हैं। वो एक होता है ना दिमागी पुलाव, वो बना लेते हैं। आपके बारे में? मेरे बारे में, किसी और के बारे में, सन इलियन के बारे में, जिसके बारे में बनाना होता है उनके बारे में बना लें। इमेजिन करना तो फ्री चीज होती है। के बारे में शायद चौधरी शुजात को भी डाल देते होंगे बीच में, रोल में। हाँ वो बस मथीरा ने मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन कर लिया, ये आ गया ना बीच में, ख्याल आ गया उसमें कैसी लगेंगी। बहुत बहुत अच्छी फैंटेसी, वेरी वेरी किंकी। अच्छा मथीरा, जाहिर बात है हमारी आवाम ऐसी है, वो किसी को नहीं छोड़ती। आपको भी लोगों ने दबा दब प्रपोज किया होगा, आस्क आउट किया होगा, कभी कोई ऐसा अनयूजुअल प्रपोजल आया? नहीं। कोई बैल पे बैठ के आ रहा है वो? नहीं 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 नहीं, टू बी ऑनेस्ट ऐसा कोई पागल नहीं टकरे। अच्छा, बिकॉज़ आई प्रपोज कोई नहीं कर रहा। आई हैव केप्ट माय बाउंड्रीज। नहीं नहीं, मेरा सिंपल हाई ब्लॉक बाउंड्री बनाई, एक गेट बनाया और टिकट लेने वाला खड़ा कर दिया। नहीं नहीं, कोई टिकट नहीं। और जिंदगी में एक चीज सीखी है, एक कुत्ते को डराने के लिए उससे बड़ा कुत्ता रखो, उसको डराने के लिए उससे बड़ा कुत्ता। तो कोई भी कुत्ता पागल हो ना, उसका बाप मेरे पास हो। तो कहाँ तक कुत्ते सोचे गए आप? बहुत कुत्ते हैं, बहुत कुत्ते हैं मेरे पास, बहुत कुत्ते हैं, हर नस्ल के कुत्ते भी। अच्छा, इनमें से किस एक्टर की एक्टिंग में जोश है? बड़े कुत्ते हो तुम, बड़े कुत्ते हो। अच्छा, कितना बड़ा कुत्ता हूँ? मुझे किस पे छोड़ेंगी आप? तुम कहाँ छुटते रहते हो, ये सवाल है। मैं जवाब नहीं देता हूँ। अच्छा, जो ऑप्शन दे रहा हूँ, हाँ, शिरोज़ सब्जवारी, काफी जोश लगा उनका, आगा अली, इमरान अशरफ या फिर आमिर याकूब। यार यही एक्टर्स तुम्हें मिले तो मैं किन? कभी मोहम्मद कभी का नाम लिख दिया। आई थिंक हुमायूं सईद। ऑप्शन भी नहीं है लेकिन आपको इतना याद आ रहे हैं वो। ये बहुत जोर से इतना जोश है। बहुत, इज अ गुड एक्टर, आई लव हिम, आई लव हिम। ये सब चीजें साइड पे हो। हां, आई थिंक वो बंदा वाहिद बंदा है जो रोमांस में फिट होता है, एंड ही इज अ हीरो, ही इज अ हीरो मटेरियल। एक ये और एक शान। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है वाकई में। जावेद शेख की लुक अभी भी ऐसा है वो बगैर। जावेद शेख? आपने वही तो कहा। अच्छा, जावेद शेख नहीं, वो फिट नहीं, एंड शान। उन दोनों में है फिटनेस लेवल, है जोश में भी है, चल भी रहे हैं, देर तक भी चल रहे हैं, बहुत अरसे तक। पता नहीं आपने 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 ट्राई किया? मुझे नहीं पता वो कितना। मैं देख रहा हूँ ना उनको, 50 साल से आ रहे टीवी में, भाई देर तक तो चल रहे हैं, और कितना चलेंगे? आप कितना चलाओगे? हर बात घूम फिर कर मुझ पे ही आ जा रही है। अब आप खुद ही तीर मार रहे हो और खुद ही ले रहे हो, मैं क्या करूं? अच्छा, सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है वो काम, दबदब काम नहीं आए सोशल मीडिया ना डायरेक्टर, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, लेकिन देखती तो है टाइमलाइन, ट्विटर वगैरह, इंस्टा पे? हाँ, थोड़ा बहुत इंस्टा पर। हाँ। हो क्या रहा? VPN लगाया बस, देख। नहीं, मैं VPN वाली चीज़। अच्छा, पता है आपको? ये देखो, ये खुद करते होंगे वो। मैं VPN लगाता हूँ ना, कुछ वेबसाइट ऐसी होती है पाकिस्तान में। अच्छी बात है, जरा सी मारो, बिल्कुल जरा सा लक्स। किस किस जरा सा लक्स, बस जरा सा। सवाल इतना साफ था। ये क्वारंटाइन में इनका साथी हाथी होगा। सवाल छोड़ ही देता हूँ। छोड़ ही दे। मैं बाखुदा साफ सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया जो है, हाँ, सीरियसली, डू यू थिंक इट्स अ कर्स और अ गिफ्ट? इट डिपेंड्स, एवरीथिंग कैन, एनीथिंग ओवर कैन बी अ कर्स, इवन इफ इट्स लव। प्यार भी बहुत ज्यादा है ना, अजीब हो जाता है। मतलब हर चीज को ना एक बैलेंस में रहना। हमारी आवाम में पता है क्या एक मसला है, कि वी आर एक्सट्रीमिस्ट्स, हम हर चीज करते हैं एक्सट्रीम पर, और फिर वो फिर नेगेटिव हो जाता है। ऑफ कोर्स, तो ये एक प्रॉब्लम है हमें, हमारे पास वो बैलेंस नहीं है। एग्जांपल दें मुझे, क्या हम कहाँ एक्सट्रीम पे जा रहे हैं सोशल मीडिया? आई थिंक सोशल मीडिया पर ट्रोल्स हैं, एंड जो ट्रॉलिंग आती है जैसे शिरोज और सदफ की शादी में, आई फेल्ट सो बैड दैट यार किसी का एक हैप्पी मोमेंट है, ठीक है, एक तो वो हाईलाइट कर रहे हैं, फिर ये लोग अलग अलग, अब ये लोग ये नहीं देख रहे दैट ठीक है शादी हो गई, लीव देम, हम ट्रॉल करेंगे, हम हर बंदे को उंगली देंगे, मतलब ये हमारी आवाम की एक 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 चीज़ है ना, मतलब उनकी उंगलियां फारिक है तो उंगली करते रहते हैं, इनकी उंगलियां काट ली, उंगलियां काट। अच्छा, आप कोई प्यार के अलावा कोई दूसरी जुबान बोलती? नहीं, ओनली दीज लैंग्वेजेस। दीज लैंग्वेजेस? हाँ, इंग्लिश, उर्दू, हल्की फुल्की पंजाबी, दैट्स इट। थोड़ी सी हो जाए हल्की फुल्की? नहीं। इतनी गंदी है? बहुत गंदी है। सिर्फ गंदी चीजें आती हैं यार। कोई एक गंदी चीज, शेर आया करो। नहीं नहीं, ऐसी कुछ शेर आया क्या? मुस्लिम लीग नून वाले भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे। नहीं ना, उनको नहीं करना। ऐसी तीर वाले लोग हैं, हम शेर के बारे में। तीरी, अभी आपने तीर मुझे दे दिया था घुसाने के लिए। आप मार रहे थे और खुद ही ले रहे थे, मैं क्या अब बंदा खुद ही ले रहा है अपना, खुद ही तुम ले रहे हो अपनी यहाँ बैठकर। वन साइडेड गेम हो रहा है। मैं चाहता यही हूँ आज ये वन साइडेड रहे। हाँ, मैं तो लूंगी नहीं, तुम खुद ही ले लो। मैं चाहता हूँ डोमिनेट करें आप। मैं डोमिनेट करूंगी, मसले हो जाएंगे। जब आप ये सवाल सबसे पूछ रहे हो, जब आप चली जाएंगी, जब आप चली ही जाएंगी, सबको जाना है, हम भी जाएंगे, तो जो पीछे रह जाएगा वो आप, जो लोग रह जाएंगे वो किस तरह याद करें? आई थिंक लोग आपको ना अच्छे बुरे लफ्जों में याद करते, लाइक दे विल जज यू। द रियल मेमोरी इज व्हाट यू डू फॉर योर लव्ड वंस। आप जो अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, मैंने एक चीज़ सीखी है दैट जो आपका जितना छोटा सर्कल और जितना बेहतर सर्कल हो वो ही आपके लिए दुनिया होनी चाहिए। दुनिया दुनिया नहीं होती, मतलब लेस पीपल बेटर पीपल, एंड आपकी फैमिली डिस्टर्ब ना हो ना, दैट्स इट। अच्छा, अदरवाइज दुनिया तो बोलती रहेगी। एंड मुझे ये लगता है जब तक शोर है ना आप जिंदा हो, जिस दिन शोर चला गया चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव हो, आप मर गए। वेरी गुड भाई, शोर मचाते रहो ताकि जिंदा रहें। वेंटिलेटर बैठा हुआ है यहाँ पे, किसी की ट्रेन में लीक हो रहा है, बर्फ घुस गई ना, बर्फ घुस गई। अच्छा मथीरा, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा है गवर्नमेंट किसी की एडवाइस मानती है, मगर शायद खान साहब हैं, कुछ भी मान सकते हैं। आपकी अगर कोई एडवाइस माने तो आप क्या देंगी? नंबर के अलावा क्या देंगी खान साहब? नहीं, मैं खान साहब को नंबर तो नहीं दूंगी, लेकिन डायरेक्ट ही बस चली जाएंगी। मैं खान साहब को बोलूंगी घबराना है, तुसी भी थोड़ा घबरा ले हो कल, ठीक है, असी तो घबरा रहे, तुसी भी घबरा जाओ। अच्छा, मुझे लगता है खान साहब, आपको लगता है खान साहब एंड मौके पे घबरा जाते हैं? ये मुझे नहीं पता, मैंने ट्राई नहीं किया खान साहब को कि एंड मौके पर घबराते हैं शुरुआत में, ये नहीं पता मुझे। किसी ने बताया अभी? नहीं नहीं, मैं इतनी गहराई में गई नहीं। ऊंचाई जिस दिन जाऊंगी तो जरूर बताऊं। जाएंगी जिस दिन में जाएंगी, जब भी मौका मिले। तो गहराई में जाना है, उनका घर पहाड़ पे, आपको ऊंचाई पे जाना होगा। उनको तो गहराई पे ले जाएंगे ना। इरादा है, यानी पकड़ लिया आपने। ये पीपल्स पार्टी वालों ने आपको कहा है, तीर वाला। अल्लाह माफ करे, नो नो नो, आई एम अ फैन ऑफ बेनज़ीर भुट्टो, एंड मुझे लगता है द बेस्ट टाइम फॉर पाकिस्तान मुशर्रफ के वक्त बड़ा अच्छा था। एंड मुशर्रफ दोस्त हैं आपके? नहीं नहीं, छोटा भाई। आई सेड टाइम पाकिस्तान को बड़ा अच्छा था, एंड देन उसके बाद प्रेसिडेंट उनका टाइम अच्छा। हाँ, उनका टाइम अच्छा। आप यहाँ नहीं थी लगता है? नहीं, मुझसे बाहर थी लगता है आप। नहीं थी, मुझे वो बेहतर लगा। आई लाइक दैट गवर्नमेंट। आपको पर्सनली बेहतर लगा होगा वो। आवाम जो कमरे से बाहर आवाम थी ना, वो मर रही थी। मैं कमरे में नहीं थी, आप कमरे में थे। अच्छा मथीरा, बहुत ही शरीफाना सवाल है, मगर जवाब। आप तो बिल्कुल नवाज शरीफाना वाले सवाल करते हैं मेरे साथ। प्यार क्या है? क्या है प्यार? प्यार लव्स नहीं। एक बात बताऊं, प्यार आई लव यू इसे चूतिया बनाने वाली मशीन। जो आपको चूतिया बनाएगा ना, सॉरी टू से, वो आपको आई लव यू दिन रात करता रहेगा। आप जिस दिन एक बंदे ने आई लव यू रख कर दो बनाते हैं तो, क्योंकि जो प्यार करते हैं वो दिखाते हैं, एक्शन स्पीक। सीधा चंबा नहीं, चम्मा नहीं, आप क्या इन चम्बे वाली चीजों में? नहीं नहीं, मैं बुबरा समझता हूं। हाँ चम्मन बॉन्डेज। मुझे लग रहा है ये इन्होंने ना नई नई चीजें ट्राई की हुई है। वो यार मेरा बता रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं कि यू नो ये भी एक्साइट मेरी क्या मजाल क्या। ऐसा लगेगा ऑक्सफोर्ड को इतना पढ़ा रही। आपको कोई कंपटीशन है? नहीं नहीं है, आपको लगता ही नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो। कंपटीशन में मैं बिलीव नहीं करती। फिर किस में बिलीव? आई थिंक आप नहीं। ये मैं ऑनेस्टली इसका मैं जवाब दूंगी तुम्हें। हाँ रुक जाओ। तो हो जाए मुकाबला किसका वॉशिंग पाउडर होता है ज्यादा साफ। ऐसे धुलाई होगी, ऐसे धुलाई होगी, सब साफ हो जाएगा। वैसे कंपटीशन कोई नहीं है। नहीं आई थिंक यार इन माय लाइफ मैं मैंने ना बड़े छोटे चैनल से शुरू किया। ऑन ए सीरियस नोट बड़े छोटे चैनल से शुरू किया है एंड आई वाज अ नोबडी। और मेरी पहचान ही बनी थ्रू एक बंदा रैंडमली इंसल्टिंग मी। जब मुझे हाँ जब मुझे ना ज़बान पता था ना पाकिस्तान के बारे में पता था, तो वो एक बेइज्जती ने मेरा एक इतना बड़ा नाम बनाया। और फिर ऑफ कोर्स 5 years बैड मैरिज डिड नॉट वर्क इन द इंडस्ट्री। लेकिन उन 5 सालों में भी ये नाम मथीरा के जिंदा है और अभी भी मैं कहीं पर भी जाऊँ ना वो नाम है। तो मुझे ये लगता है कंपटीशन नहीं। थैंक यू थैंक यू। कंपटीशन है ना आपको हसद से भर देता है। सो आई डू नॉट बिलीव इन कंपटीशन। आई बिलीव गो विद द फ्लो, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं आप अपना प्रेजेंट भूल जाते हैं और वो बर्बाद हो जाता है। फ्यूचर तो बनता नहीं है, ठीक है। तो आई बिलीव लिव इन द प्रेजेंट, आपका फ्यूचर भी बेहतर बनेगा। जो आप अभी करते हो वो आपको फ्यूचर में नजर आता है। वेरी नाइस वेरी नाइस। समझदारी वाली बातें भी चलती है ना, यही चलाना चाह रहे हैं। वो भी समझदारी की बातें हैं, वो भी समझदारी समझ आती है तो वो बातें होती। अच्छा मथीरा, मोहब्बत पहली कब हुई? गलती पहली कब हुई? गलती पहली कब हुई? When I was 16। बड़ी ठीक। और ये वहीं हुई हेरिटेज में? हाँ। आप कैसी हुई? बस गलती क्यों की? मैं बोलती हूँ दैट गलतियाँ ही होती हैं। उस उम्र में तो गलती ही हुई। उस उम्र में गलतियाँ होती हैं। हाँ मतलब वो एक हार्मोन अनबैलेंसमेंट होता है। हाँ। वो चाहिए होता है। हाँ चाहिए वाली चीज नहीं होती, बस वो होता है कि यार ये क्या है। वो एक होता है ना एक कीड़ा होता है, तो वो कीड़ा काटा था मुझे उस वक्त। तो आपने वो कीड़े से प्यार कर लिया। कितना प्यारा कीड़ा, कितना प्यारा कीड़ा है। फिर नमक डाल के मार दिया? नहीं मुझे नहीं पता। तुम नमक डालकर मारते हो? वो होता है अर्थवर्म जी, ये क्या कहते हैं? स्नेल्स। स्नेल्स वगैरह, उनको नमक डालें वो ब्लूर कर देंगे। ओए हाय ऐसा होता है उनको। तुम मारते हो? मैं नहीं मारता भाई, मैं तो खा जाता हूं उन्हें, प्यार करता हूं, रख लेता हूं। छोटा भाई है मेरा एक अर्थवर्म। फेवरेट फूड? कितनी दफा खानों पर आएंगे, भूख लगी है क्या? वो तो पॉलिटिशियन खा रहे थे ना। अब हम असली खाने वाली चीजों में क्या पसंद है? ऑप्शंस है? नहीं आपको पता होगा ना क्या पसंद है आपको। मैं पहले तो बड़े ऑप्शंस की इतनी बड़ी बड़ी लिस्टें दे रहा था, अब कुछ नहीं। पैसे इतने थे, 4 सवाल जितना देना था दे दिया। अब खत्म, सब खत्म हो चुका। कमजोर हो चुका, कमजोर मजबूर हूँ अपने हाथों से मजबूर। नो आई यार आई एम अ फूडी पर्सन। अच्छा हाँ मेरी वजन से नहीं नजर आ रहा, ठीक ठाक खाते पीते घराने से हूँ। जुमला आ रहा है बोलूंगा बांधे पुत्र बांध। अच्छा पॉलिटिशियन में कौन पसंद है बेनजीर के अलावा जो जिंदा में? क्यों बार बार घुमा घुमा कर लाना चाह रहा हूँ, पता तो चले कहाँ जा रही है ये पार्टी। आई थिंक बिलावल। बिलावल ने कभी कोई हिंट्स दी आपको? नो हिंट्स की बात नहीं। आई थिंक ही कैन बी अ ग्रेट लीडर। उसका टाइम आएगा। कैसे आएगा? बताया उसने आपको? कब? 9:30 तक आ जाएगा। रात में देर से आएगा या सुबह सुबह भी आ सकता है? नहीं आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, आप बस सबको पता चलेगा। आपकी बात हो चुकी है यार, उसकी गवर्नमेंट के टाइम आएगा पगले। मैं समझ गया, मैं हाँ। कह रहा हूँ उनको कुछ आएगा, लेकिन वो कब आएगा? क्यों नहीं आ रहा टाइम? उनमें क्या कमी है? अब मुझे क्या पता। वाई है मैं कमिंग बोलने वाली थी। बाकी तो तेरी ईद हो गई बेटा। हैशटैग ही है, बल्कि तुम हैशटैग शो कर दे आज। ये बासित है, जो कैमरा है ना इसका नाम बासित है। जब भी कंट्रोवर्शियल बात निकलती है ना ऑटोमेटिक हैशटैग बन रहा है, ये निकल रहे हैं आज। ये मथीरा आज मतलब फाड़ देगी टीआरपी फटेगी आज। हाँ। आपके अपने बट अगर फट जाए तो कहीं सिलवा भी लेना। कोई बात नहीं, मुझे पता था कि मेरे पर ये फटतियाँ रहती हैं इधर उधर। हाँ, मोची साथ ही रख दिया करें, जब फटे सी दो चीजें, फटो या फाड़ो। अच्छा, जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में इंसान कौन है? आई थिंक मैं। आप खुद? खुद, हाँ। मैं सही हूँ तो मैं हर चीज को बैलेंस आउट रख सकती हूँ। ठीक है, तो आप अपना ख्याल कैसे रखते? यार ख्याल अब रखना शुरू करिए। अब पहले क्या मतलब? हाँ। पड़ी रहती थी? नहीं पड़ी रहती अब। रिबेलियस स्टेज, मतलब जिंदगी के स्टेजेस है, हर स्टेज देखे, स्ट्रगल पीरियड देखा है। आई एम अ सेल्फ मेड बंदी, तो आई एम द ब्रेड अर्नर ऑफ माय हाउस। आई एम अ सिंगल मॉम। इंजीनियर हैं आप? नहीं नहीं, इंजीनियर नहीं, नहीं, स्कूल ड्रॉप आउट हूँ मैं। स्कूल ड्रॉप आउट हूँ बिल्कुल। नो नो नो, अब मैं आपकी लूंगी जॉनी सिंस की तरह, फिर तो फटेगी। पिज्जा देने आएंगी आप मुझे? नहीं, लेने आऊंगी आपकी। तो मैं जॉनी सिंह बन जाऊंगा ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं आऊंगी तो ठीक ठाक। समझ, हाँ। तो नहीं जाएंगे जॉनी सिंह को, वो एक मिनट कुछ लेकर आएंगे, यू नो। इतना बड़ा? जितना घुस सकते घुसा दो। वैसे तो आप अभी यंग ही हैं, मगर जब इससे भी यंग उस मथीरा को क्या एडवाइस देंगे, ताकि अगर जैसे अब जो फील कर रही है वो शायद ना फील करें, ऐसी क्या एडवाइस देंगे? आई थिंक व्हेन आई वाज यंग, क्योंकि जिम्बाब्वे में मैं बड़े छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, ठीक है, लाइक शॉर्ट्स, बैंडाना, लाइक इस तरीके। वहाँ तो कोई मसला नहीं होता था, ठीक है। तो यहाँ आकर है ना, मैंने एक वो एक दिमाग में एक टीनेजहुड की टसल हो गई थी, क्योंकि दैट टाइम माय मॉम एंड डैड आल्सो गॉट डिवोर्स्ड एंड मैं अपने बाप से बहुत करीब थी। सो वो एक टसल दिमाग में हो गई थी कि पाकिस्तान के लिए मैं बदलूंगी नहीं। तो मैंने रिक्शों में भी शॉर्ट्स पहनकर घूमी हूँ, लाइक ये क्या है मैंने। हाँ, और मेरे पीछे तो अवाम मुझे प्रोटोकॉल देती थी। ऑफ कोर्स सब रिक्शे वाले रुक जाते थे, रिक्शे क्या हर तरीके के वो क्या होते, वो कार्ड्स फेंक रहे होते थे, कार्ड के पीछे मैं बोलती होती ये क्या हो गया। पर यस, दैट इज पाकिस्तान यार, पैसे आप पर मैं भी बहुत अच्छा फील हो, बहुत अच्छा फील हो रहा है। नहीं तो हाँ, वो उस वक्त अगर मैं अपने आप को वो थोड़ा बहुत टोन डाउन करती, और मैंने हर बंदे पर भरोसा किया, दैट वाज आल्सो वेरी डम ऑफ मी। उससे क्या फर्क पड़ता अगर आप टोन डाउन कर लेती, क्या आप यहाँ तक ना आती? यार टू बी ऑनेस्ट, ये शो का नाम फर्क तो नहीं पड़ता। बस आई सीरियस, हाँ कुछ यू नो वो क्या होता है, लगे कि पढ़े लिखे लोग भी बिल्कुल बिल्कुल के लगे ना कि शो हो रहा है। स्कूल से आपको क्यों ड्रॉप आउट कर दिया, ऐसा क्या हुआ? यार आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब वाज एट एन अर्ली एज। माय मेरा डैड जिम्बाब्वे के पॉलिटिशियन थे, और वहाँ जब रॉबर्ट मुगाबे पावर में आए तो मेरी मॉम और डैड की डिवोर्स हुई भी थी। तो मुगाबे ने ऐसा क्या किया? नहीं, तो मेरे अब्बा है ना ऑपोजिशन पार्टी के थे, तो अब्बा लंदन चले गए और अम्मी को छोड़ दिया, कट आउट कर दिया, और हमें पाकिस्तान रातों रात आना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा एक होता है ना, एक ढज लगा था। सो या दैट इज द मेन रीजन। डू यू कंसीडर दैट एज योर डिफाइनिंग मोमेंट इन लाइफ? आई थिंक हाँ, क्योंकि यू नो इट्स वेरी ऑकवर्ड, बट आई थिंक दैट वो मूव बड़ा उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया, बट अब मैं पीछे देखती हूँ तो आई से आई इट्स वेरी गुड। होना चाहिए, मुगाबे को आना चाहिए। मुगाबे को नहीं, ये मोमेंट नहीं होता तो शायद मथीरा भी नहीं होती, मैं शायद पाकिस्तान भी नहीं आती। हाँ, ये एक चीज़ है। एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट पाकिस्तान, चाहे जैसा भी उन्होंने मुझे नाम दिया है। अभी जो मैं इतना घूमती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, वो क्यों करती हूँ? क्योंकि पाकिस्तान ने मुझे एक नाम, पहचान, सब कुछ दिया है। सो दैट थिंग आई वुड रियली रिस्पेक्ट इट। क्या बात, अब ये देख रहे हो, बस तुम ओन कर रही है मथीरा। हम लोग समझते थे मथीरा को इतना कुछ बोला गया होगा, मथीरा डिसअपॉइंटेड होंगी पाकिस्तान से, लोगों से नाराज होंगी, मगर शी स्टिल लव्स पाकिस्तान। बस तालियां बजाओ, तुम बस बजाओ 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 तालियां बजाओ भाई। क्या कर रहे हो? दोस्त हैं, दोस्त हाँ। लिटमस टेस्ट कैसे होता है कि यार ये दोस्त बनने काबिल है या सिर्फ लाइन मार? यार मैंने ना नई दोस्त नॉट एट ऑल, नो मनी फ्रेंड्स। आपने बुकिंग बंद कर दी? हाँ। तो पुराने दोस्तों को कैसे जज किया? वो क्या ऐसा करते हैं कि वो दोस्त रहें? यार मेरे दोस्त है ना 5-5, 6-6 साल पुराने दोस्त है, और वो दोस्त है that have seen me like cry and you know all insane too, क्योंकि मैं पाकिस्तान आई थी, फिर ऑफ कोर्स इंडिया, मुझे तो पता भी नहीं था that I was famous, क्योंकि मैं इतनी बिल्स और अपनी चीजों में बिजी थी, मुझे फेम का तो पता ही नहीं था। हाँ। क्या हो रहा है बाहर? हाँ कसम मुझे नहीं पता था, क्योंकि the first time मुझे बोला गया कि आपको एक योगा शो करना है, तो मुझे क्या पता, मैं तो योगा के जो ड्रेसिंग है वो पहनकर चली गया। अब मुझे क्या पता यहाँ लोग योगा को कामा सूत्रा ले जाएंगे, वहाँ से क्या दिमाग में बना लेंगे। I didn't know anything like that। आप काकी थी? हाँ नन्नी थी। नन्नी नहीं, I think it was just you know culture difference। हाँ of course। And I think हम है ना इतने अजीब हो गए, हम इतने जजमेंटल हो गए, हम ज्यादातर है ना कवर को देखकर जज करते हैं। हाँ। So ये हमारी एक इश्यू है कि किसी ने छोटे कपड़े पहन लिए, so she's a slut, she didn't reply, she's a slut। हाँ ये जरूरी है। She is famous, she's a slut, she got a film, oh सोकर मिली होगी। ये एक नॉर्मल से ये चीजें बंदों के लिए क्यों नहीं होती? बंदा शर्टलेस आ जाए तो ओ कोई बात नहीं, बंदे को कोई रोल मिल जाए लोग क्यों नहीं बोलते सोकर उसको मिलाए? Why don't they say that? Why is it always for women? बिल्कुल सही है। कोई भी पोजीशन पर चले जाए इतने उसके यार होंगे, इतने उसके ये बातें औरतों के लिए क्यों होती है? ये पाकिस्तान की सोसाइटी में ये मैंने एक चीज़ देखी है that whenever a woman is going या कोई तरक्की कर रहे होंगे ना, हम उस पर फॉरेन से एक स्लाट का एक लकब लगा देंगे। That's our issue। देख रहे हो बासित, इसलिए चल रहा है, इसलिए चाहिए फेमिनिज्म पाकिस्तान में, जो तुम लोग कहते रहते हो ना औरतों को बराबरी चाहिए, बराबरी नहीं चाहिए। देखो मर्द और औरत कभी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है? जो हमारे पास से वो आपके पास नहीं, जो आपके पास से वो हमारे पास नहीं। ये बेवकूफाना चीजें होती जो बोलते हैं दैट यू नो कॉम्पिटिशन। नो, हम दो अलग अलग है और हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जब दो लोग मिलते हैं देन दे बिकम कंप्लीट। यस, तो वी शुड नो दैट। आई डोंट नो वाई लोग बोलते हैं कि नहीं मैं मर्दों को कभी ये नहीं बोलती क्या हम औरतें मर्दों से ज्यादा। नो, वी आर इनकम्प्लीट विदाउट मैन एंड मैन आर इनकम्प्लीट विदाउट वुमेन। ठीक है, यानी कि वेरी गुड। मथीरा शो, हाँ शो जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? गहरा हो गया है ना, और कहाँ फैज अहमद फैज अभी फैज बदलते हैं, कौन से फैज पर ले जा रहे हैं? सवाल ऐसा कभी सेट पे कोई भंड हुआ है? कौन सा भंड? अब कैसा भी भंड, कोई सेट पे आप शूट कर रही हो और आपसे कुछ ऐसा हो गया हो या कोई ऐसा मेजर भंड हो गया, आपने बोला फिर ये क्या हो गया? व्हाट इज अ भंड? भंड मतलब स्क्रू अप। नो, एक बात बताओ, आई हैव बीन इवन ही नोज इट, मैं अपने काम में है ना, ये मैंने ये जो अपनी मेरी इतनी बड़ी जुबान निकली है ना कि मैं इतनी लाउड माउथ हुई हूँ, वो अब हुई हूँ। वरना पहले तो कोई मुझे यहाँ बोल दे कि 4 घंटे आप यहाँ खड़े रहो, मैं चुपचाप खड़ी रह जाती थी। मैं मतलब आई वाज दैट टाइप। हाँ अच्छा। मैं बड़ी आराम से टाइम पर आना, जो डायरेक्टर बोल रहा है वो सही है, अपना 200%। फिर मैंमैंने बोला यार मैं तो सबसे बड़ी चूतिया हूँ, ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ? हाँ मतलब पागल हूँ मैं तो। अब मैं ना नाउ आई एम वेरी, मैं हर चीज़ करती हूँ अपने टाइम पर, अपने तरीके से। अगर कुछ ज़्यादा हो जाता है आई एग्जिट। पहले मैं बड़ी फंसी हूँ इन चीज़ों में, डायरेक्टर्स ने कभी यू नो बिठा दिया इतने घंटों टाइम पर, तो आई हैव नेवर स्क्रूड अप ऑन सेट। नो, क्योंकि आई हैव ऑलवेज टेकन माई ब्रेड एंड बटर वेरी सीरियसली, क्योंकि वो मेरा घर चलाता था यू नो, सो आई हैव ऑलवेज टेकन काम का हिस्सा वेरी सीरियसली। वेरी नाइस, ये अच्छा किया आपने, बस आप आज लेट आई। नहीं सर, बात बताऊँ, मैं काम कर रही थी, आई वाज सिटिंग लाइव, आई डू बीगो लाइव ना, तो हाँ मैं सुबह के 7-8 बजे तक बैठी हुई थी, तो फिर मेरा बेटा उठा, फिर मेरी मॉम उठी एट अराउंड 10 बजे, मैंने बेटा अम्मी को दिया एंड देन आई स्लेप्ट। तो इसलिए कितना काम किया आपने बेटे के लिए, बेटा उठा उठा के वहाँ दिया? नहीं नहीं या अल्लाह, उसको नाश्ता बनाना पड़ता है, फिर उसके साथ बैठना पड़ता है, क्योंकि आई कांट लिव हिम अलोन इन द हाउस। क्या नाम है उसका? आहिल। आहिल, हाँ। यानी साहिल और आहिल। No, सिर्फ इसका क्या मतलब? It means prince। वाह वाह, कितना बड़ा हो गया आहिल। He's 5। He's 5। क्या वो क्या करेगा बड़ा होकर? I don't know, वो I believe he'll be a gentleman। इंशाल्लाह। उसका काम होगा, करियर उसका होगा जेंटलमैन होगा। नो नो, करियर का टू बी ऑनेस्ट लाइक आई सेड आई डू नॉट, मैं वो नहीं, इट्स नॉट अबाउट केयर। आई विल नेवर फोर्स माय बच्चा टू बी लाइक यू नो तुम्हें ये बनना है वो बनना है। नो नो, जिस तरह आई विल सी हाउ हिज पर्सनालिटी डेवलप्स, उसके साथ बच्चे का करियर बनता है। हम ये नहीं पैदा हुआ डॉक्टर बनाएंगे, बच्चा करियर उसका दिमाग वाला है। हाँ वैसे टू बी ऑनेस्ट हाँ he'll be quite good, he'll be good। बात हो गई यार, बात हो गई। भाई तुम अच्छा बनो, समझे? यही है तुम्हारा करियर, अच्छा बनना है। हाँ अच्छा, देखो मैंने एक चीज सीखी है। क्या? जब आप अच्छे होते हो आपको हर चीज मिल जाती है, ठीक है? So you have to be a good human with a good heart। ठीक है। Things will come your way। मथीरा जी, शो जो है वो अपने टेल एंड पे पहुंच, टेल पर, हाँ टेल पे पहुंच रहा है। हाँ। बिल्कुल, हमने बस सेफ एरिया में रखा है। हाँ, हाँ, हाँ। अब हम क्राउड सोर्स करेंगे सिचुएशन, ओके, और वो हम सिचुएशन यहाँ इम्प्रोव प्ले करेंगे, इम्प्रोम्प्टू हम करेंगे जो करेंगे। okay। आपने एक्टिंग तो नहीं की ना दादा? नहीं। किसी ड्रामे में काम? नहीं, एक ड्रामे में काम किया था, अल्लाह माफ करे। उस ड्रामे ने काम नहीं किया? नहीं, उतना नहीं, उन्होंने बड़ी मतलब इन लोगों की कंटिन्यूटी, फिर पेमेंट के इशू, मैंने तो हाथ छोड़ दी। मैं आपको दूसरा ही काम करूँगा। नहीं, मैंने फिर होस्टिंग पर ही चिपकी हुई। सेम है, सेगमेंट ये है कि मैं डायरेक्टर हूँ, फिल्म का सेट है और हम बात कर रहे हैं आइटम नंबर, ओके ठीक है, और आपने फिर आगे कर रहे हैं कट कट कट, ये नहीं मथीरा, कुछ कुछ हिलना चाहिए, हिल जाए माहौल। हाँ। और आप कहेंगे बस हाथ हिला दे, ये हिल रहा है, हाथ हिल रहा है। या। भाई बात ये है मथीरा के आज की लाइफ हुसैन बिना, इसमें आपने आज इसको हिलाना है, मर जाए, पागल हो जाए, कमजोर हो जाए। सही है, धड़कना चाहिए, तड़पना चाहिए ऑडियंस। सही है, क्या करोगी तुम आज? मैं आई थिंक ये वाला स्टेप ही सही है, इतना हिलना सही है। नहीं, इसमें हिट नहीं होगी, थोड़ा इतना हो। नहीं, मैं इतना नहीं करूंगी। आपको मसला क्या है? मैं नहीं कर रही। ये इनको मेरे हिलाने से आपके क्या हिलेंगे? मैं फिल्म तो छोड़ू, आप इधर क्यों हिट फिट होने चाह रहे हैं? देखिए मैं आइटम वाली हूँ, मुझे जो करना है करने दो। मथीरा क्या तुम मुझे थोड़ा हल्का सा करके दिखाओ, तुम क्या करो? मैं हल्का क्यों करूँ? मैं करूं ही क्यों? पत्थर उठा के करो। कुछ मथीरा कुछ तो करो, ये फिल्म हिट कैसे होगी मथीरा? क्या हिट हिलने पर होती है? आपको पता है पाकिस्तान में क्या होता है? क्या होता है? हिलाना, हिलना, हिलना। आप क्या, आप कितना हिलाए ना कराए, आप कितना हिलाए। मैं डायरेक्टर से रिटायरमेंट ले रहा हूँ भाई, मैं बाहर ठेला लगा लूंगा, चने बेचूंगा। आपको बेच दे मथीरा, बैठ चल, मीरा को कास्ट करो। मथीरा बहुत मजा आया, बीन एक्सेलेंट। आपने सब, आपने कुछ पीछे नहीं रोका, मेरी वाट लगा दी। पता नहीं अब मैं घर जा भी पाऊंगा क्यों, या आपके साथ? शादीशुदा तो नहीं है आप? दो बच्चे भी। ओए होए, वो जो जाया हो गए टॉयलेट में, या कौन से बच्चे की बात? वो तो जाया नहीं हुए, दो असली वाले, पूरी साइकिल घूम के। कोई बात नहीं, बहुत सारे प्यार उनको। हाँ आप मत साफ प्यार, साफ प्यार। मेरा प्यार उनके लिए काफी होगा। ओके, थैंक यू सो मच। आप आई, आपने ये पहला गेस्ट आया है शो, ओके, जिसके सामने मैं मतलब कचरा ही लग रहा था। नहीं, मैं समझ रही, छूट गया। नहीं छूटा नहीं, छूटा नहीं, अभी भी मैं बेल में अंदर ही हूँ। आप अंदर? मैं जेल में ही हूँ। मैं नहीं। ज़रदारी साहब छूट जाएंगे? मुझे क्या पता, केस चल रहा है ना उनका। कौन? आई होप छूट जाए। अभी तक दुआ है, अभी तक नहीं छूट रहे वो, हमने कोशिश भी। अब मैं भी इंसर्स वो ले लेना, छोटे छोटे। इनमें से कौन सा पॉलिटिशियन जल्दी छूट जाएगा? केस चल रहे हैं, आगा सिराज दुरानी, परवेज मुशर्रफ या जरदारी साहब, कौन जल्दी छूट सकता? हाँ मुझे लगता है नवाज शरीफ जल्दी छूट सकते। वो तो अंदर जाने से पहले ही छूट गए। तो वही ना, शुरुआत से ही छुट गए, पहले से ही छुट गए। प्रीमैच्योर बेल हो गई। थैंक यू मथीरा, थैंक यू सो मच। So that was hilarious. That was super funny, and most of her replies were so witty. Or itna her presence of mind, or every reply, every answer was so smart, so cunning. I think she made Tabish Hashmi completely speechless at times, and amazing. मैं इतना ज़्यादा हंसी हूँ ना, but seriously this was very fun, and it's not just the fun part, but I think she had a lot of काफ़ी logical और serious answers as well. मतलब मजाक में वो लोग ने काफ़ी सही बातें भी कर ली कि I cannot recollect each and everything because it was a very long episode, but on those parts I have immediately said also ki that is true, that is correct, exactly. So yeah, she made some really good points, and I think इससे पहले मुझे पता नहीं था who she is, but now I feel that you know she is very sorted about who she is. So जो भी वो कर रही है वो बहुत ही clear है उसके बारे में. She knows what she wants to do. She knows how she wants to reach something that she wants. So I think वो clarity काफ़ी clearly दिख के आती है through her talking, through her behavior. So yeah, she was very entertaining. So was Tabish Hashmi, and I really enjoyed it. Again, the original link is in the top of the description. Make sure you check it out. And if you enjoyed my video, then make sure to subscribe to my channel, like this video, and also share with your friends. And I will see you next time. Take care. Bye bye.